हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे रोंडा बर्न की बुक द पावर की समरी आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि जीवन में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है, बल्कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पावर क्या होता है। हमारे जीवन में दो तरह की पावर होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ता है तो वह अपने जीवन में खुशहाल रहता है, वह अपने हर कार्य में सफल भी होता है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को जीने वाला व्यक्ति खुशहाल नहीं रहता, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के साथ व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुशियों को हासिल नहीं कर सकता और न ही किसी काम में सफल हो सकता है। अपने जीवन में प्यार के रास्ते पर चलकर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं। अपने कामों से प्यार केवल सकारात्मक ऊर्जा रखने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। प्यार के बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव है। आप इन बातों को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा रोंडा बॉर्न की बुक में बताई गई यह बात बिल्कुल सच है। चलिए आप बात करते हैं भावनाओं की शक्ति के बारे में। द पावर ऑफ फीलिंग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। जैसा आप महसूस करते हैं आपकी जिंदगी वैसी बन जाती है। जब आप अपने जीवन में अच्छी सोच रखेंगे, यानी कि सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। इंसान अपने जीवन में जैसी भावना को रखता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि आप बुरा सोचेंगे या आपके जीवन में प्यार की कमी है तो आपके साथ बुरा ही होता है। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो आपके अंदर हमेशा अच्छे फीलिंग्स मौजूद रहते हैं, जिससे आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसे में आप अपने जीवन को पॉजिटिव फीलिंग्स दें, जिससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव हो, आपका जीवन बेहतर हो। इसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा खुश रहना होगा, फिर आप अपने जीवन में जो भी चीज पाने की इच्छा रखते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। रोंडा बॉर्न अपने बुक में कहती हैं, क्रोध, चिंता, कंफ्यूजन, दूसरों से जलन रखना, डिप्रेशन में रहना, ये सारी चीजें नेगेटिव फीलिंग्स है। इसलिए जितना जल्द हो सके इनका त्याग कर दें, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाएं और जीवन में खुशी रहें। नेक्स्ट, शक्ति की कुंजी। पावर की पहली कुंजी प्यार होता है। यदि आप इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद के जीवन से प्यार करना होगा। आपको जिससे भी प्यार हो उसे तलाशने की कोशिश कीजिए, उसे समझिए, उसे ढूंढिए और आपको जिससे प्यार हो उसके बारे में हमेशा बातें कीजिए। इससे आपको अपने जीवन में कई पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लगेगी और आप जो पाना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने जीवन में हासिल कर सकेंगे। पावर की दूसरी कुंजी है एहसान मंद महसूस करना। ऐसे में आप किसी दूसरे के लिए एहसान मंद महसूस करते हैं तो इससे दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स फैलती है और लोगों को अपने विचार एवं कर्मों से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पावर की तीसरी कुंजी के अनुसार आपको भरोसा करना है कि जीवन में सब कुछ पाना पॉसिबल है और ऐसी ही सकारात्मक सोच अपने जीवन में हमेशा बना के रखनी है और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले निगेटिव सोच नहीं रखनी है, जैसे कि मैं हार जाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी सोच आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और आप अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते हैं। आपके जीवन में आनंद भरपूर होना चाहिए और जीवन के किसी भी मोड़ पर बच्चों की तरह खेलना है, क्योंकि जब आप बच्चों की तरह खेलते हैं तो वाकई में अच्छा महसूस करते हैं और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां आ जाती है। नेक्स्ट, शक्ति और धन। अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे अपने काम से प्यार करना चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए और पैसे कैसे कमाए जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि वह दिन रात काम करते हैं, बल्कि वह लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपने पैसे का नुकसान नहीं करते। अमीर लोग प्यार और पैसे दोनों का कदर करना जानते हैं, इसीलिए उनके पास हर दिन संपत्ति बढ़ती है। पैसा कमाना या उसके बारे में सोचना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। इसलिए जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्यार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम बांटते हैं आपके तरफ उतना ही हर प्रिय व्यक्ति या वस्तु आकर्षित होती है। लेखिका रोंडा बॉर्न अपनी किताब में कहती हैं कि आप कोई भी बिजनेस करें तो इसमें पावर की कुंजी का इस्तेमाल करें, अच्छी फीलिंग्स को काम में लाएं, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि आप प्रकृति को जो भी देते हैं वही आपके तरफ लौट के आता है। जैसे आप मान
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से सकारात्मक बातें कर रहे हैं तो वह व्यक्ति आगे भी सकारात्मकता फैलाएगा और इस तरह से यह श्रृंखला जितना आगे बढ़ता है आपका प्रेम उतना दूर तक फैलता है और लौट कर वह आपकी तरफ आता है। नेक्स्ट, शक्ति और स्वास्थ्य। स्वस्थ होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं तो यह अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब यह है कि बच्चों की तरह महसूस करना, उनकी तरह दौड़ना, पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहना, ठीक बच्चे की तरह जैसे वह बिना रुके पूरा दिन एनर्जी के साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं। बच्चे सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। वे हमेशा चिंता और तनाव मुक्त रहते हैं और हर रात अच्छी नींद लेते हैं, फिर अगले सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है और आपको इसे अच्छी तरह समझना है तो छोटे बच्चे को देखिए, आप समझ जाएंगे स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा रोंडा बॉर्न के अनुसार अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं कि उम्र कम होने के साथ साथ आपकी शक्तियाँ छीन हो जाएगी और कई तरह के रोग आपके ऊपर हावी होंगे तो आकर्षण का नियम आपके इस धारणा को सही साबित कर देगा। यह नियम आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला देगा कि आपके द्वारा सोची गई धारणा के अनुरूप शारीरिक स्थिति बन जाएगी। जैसे कि आप जिस चीज से डरेंगे वही चीज होगा और आप जिस स्थिति से डरते हैं वह स्थिति आपके ऊपर हावी हो जाएगा। रोंडा बॉर्न अपनी बुक द पावर में कहती हैं कि शरीर में हुई किसी भी बीमारी को ठीक करने का पावर हमारे शरीर की कोशिकाओं में रहती है जो अपना काम खुद ब खुद करती है। बस हमें सकारात्मक सोचने की जरूरत है क्योंकि हम जिस प्रकार से सोचते हैं हमारा शरीर भी उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो कोशिकाएं उस विचार को तुरंत ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण को उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आप अपने कोशिकाओं को जैसा निर्देश देते हैं ठीक उसी प्रकार से वह काम करती है। यह आकर्षण का नियम है जो आपके भीतर काम कर रहा है। नेक्स्ट, शक्ति और आप। हर वस्तु, हर चीज, हर शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और मनुष्य की फ्रीक्वेंसी उसके किस्मत का फैसला करती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास सकारात्मक फ्रीक्वेंसी है जो आपके तरफ सारी पॉजिटिव चीजों को खींचती है। अब हम इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपके चारों तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और आप बुरा सोचेंगे तो आप हमेशा बुरी बातों का सामना करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करना बहुत जरूरी है, इससे आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इसलिए आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी फैलाइए और अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाइए। यह सब आपके ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।